टू ऑल सॉल्यूशंस, वेलकम टू रमजान। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, तो हमारी जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अब सवाल ये आता है कि हमें रमजान में किस टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए। रमजान में दो टाइम बनते हैं कि जिस टाइम पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। एक तो ये है, या तो हम सहरी से पहले उठें तो तब वर्कआउट करेंगे, दूसरा ये है कि हम अफ्तारी से तकरीबन एक घंटा पहले वर्कआउट करें। तो इसकी दो रीजंस हैं। अगर हम इसको साइंस और लॉजिक के हिसाब से देखें तो चले पहले हम साइंस पे बात कर लेते हैं। तो साइंस तो ये है कि हम पहले सुबह के टाइम उठे सहरी से तकरीबन एक घंटा पहले। एक घंटा पहले उठने के बाद हम अपने रूटीन का वर्कआउट करें, जिम चले जाएं, वहां पे जाके काम शाम करें, ताकि हमने जो अफ्तारी के टाइम पे 5 से 6 घंटे पहले जो हमने खाना खाया है वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका हो और उसकी हमें एनर्जी मिले और हम अपने मसल्स को मेटाबोलाइज करें। तो एक तो ये तरीका बनता है, मगर अगर हम इसको देखें तो ये पॉसिबल नहीं लगता। कुछ टाइम पे कौन सा जिम खुला होगा भाई, जो आप हमें सुबह सैरी के टाइम पे कर लो, या आप घर पे कैसे वर्कआउट कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। अगर लॉजिकली देखें तो हमें जो एक्सरसाइज है वो तकरीबन अफ्तारी से पहले करनी चाहिए, तकरीबन एक घंटा पहले, ताकि हम उस वक्त जो अपनी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज हैं वो बर्न कर सके। अब अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई अफ्तारी से पहले कैसे, उस वक्त तो जिस्म में कोई एनर्जी ही नहीं होती, तो हम कैसे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि देखें, आम रूटीन में अगर आप आम दिनों में देखते हैं तो उस वक्त भी तो आप रात को खाना खा के सो जाते हैं और तकरीबन 8-9 घंटा सोने के बाद आप सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग की गेम है, इसको आपने बदलना है। आपने सुबह के टाइम जब रोजा रख लिया उसके बाद आपने सारा दिन काम वर्कआउट किया, आपके जिस्म में इनफ एनर्जी नहीं होती। यही तो वो टाइम है जब आपने अपने जिस्म में जो कैलोरीज है उनको बर्न करना है। इससे आप अपना बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की। हाँ, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आप उस टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे कौन सी, कार्डियो करेंगे या वेट ट्रेनिंग करेंगे। देखें मेरी भाइयों और बहनों, उस टाइम पे आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते अफ्तारी से पहले, क्योंकि आपके जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप वेट ट्रेनिंग कर सकें। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उस वक्त आप कार्डियो करें। कार्डियो बेसिकली है क्या और आपने इसको करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्डियो बेसिकली ये है कि आपने अपने हार्ट बीट के साथ खेलना है, कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है। कार्डियो में आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो, और फिर आपने स्टार्टिंग में ये करना है कि 1 मिनट के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करनी है और फिर 1 मिनट के लिए रेस्ट करनी है, ताकि जो आपकी हार्ट बीट है वो रिड्यूस हो, वापिस आए, और फिर 1 मिनट के बाद आपने फिर वही रेपिटेशन करनी है 2 to 3 times। इससे आपकी हार्ट बीट क्या होगी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये वो तरीका है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। देखें अफ्तारी से पहले जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो आइडियली आपकी जो प्योर फैट है वो बर्न होगी, जिससे आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और आपकी एक बॉडी जो एक शेप में आ जाएगी। इसलिए आप अफ्तारी से आधा या 1.5 घंटा पहले आपने लाजमी वर्कआउट करना, इससे आपका वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस। हाँ, अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अफ्तारी के बाद वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो आप जब अफ्तारी कर लेंगे तो उससे तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आप अपने जिम जाएं या अपने घर में, तो वहां पे वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और जो अफ्तारी के वक्त आपने जो कुछ खाया पिया होगा वो एनर्जी आपके जिस्म में रिमेनिंग होगी, वो आपके मसल्स को तोड़ेगी, आपका मेटाबॉलिज्म के अमल को तेज करेगी। रमजान में होता क्या है, रमजान में अल्लाह ताला ने हमारा यही तो सिस्टम रखा हुआ है कि हमने अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। अफ्तारी के बाद कार्डियो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी होती है, और उसको आपको बर्न करने के लिए वेट ट्रेनिंग बेस्ट वे है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपने कार्डियो करनी है तो वो आपने अफ्तारी से पहले करनी है, और अगर आपने वेट ट्रेनिंग करनी है तो वो अफ्तारी के बाद करनी है। और इसमें ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स एक एवरेज इंसान के लिए काफी होता है। तो रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें आप ना सिर्फ अपने रूहानी तौर पे अपने जिस्म को क्लीन कर सकते हो, बल्कि फिजिकली भी कर सकते हो। क्योंकि आम दिनों में अगर असी वेहने हैं तो असी कभी कोई चीज खा रहे हैं, तो फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, खा रहे हैं,
ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ। अगर आपको अपने लिए कोई वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान चाहिए हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए सेपरेट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान आपके लिए बनाऊंगा। चलते हैं आज की बात की तरफ। एक जोकर ने लोगों को एक लतीफा सुनाया तो लोग बहुत ज्यादा हंसे। उसने दूसरी बार फिर वही लतीफा सुनाया तो बहुत कम लोग हंसे। तीसरी बार उसने जब वो लतीफा सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। तो फिर उस जोकर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जब तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक गम को लेकर क्यों बार बार गमगीन होते हो। खत्म करते हैं इसके साथ ही। अल्लाह हाफिज़। फिर